सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पैरेलल ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम ट्रांसफार्मरों को हम पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करने की कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक का ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। ओके, देखिए, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो हमारा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ से होता है वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो वहाँ पे कभी भी एक ट्रांसफार्मर नहीं होता है ना। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे दो या तीन ट्रांसफार्मर उस डिस्ट्रीब्यूशन में, जो हमारा जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे घरों में सप्लाई, वहाँ पे दो या तीन ट्रांसफार्मर ज़रूर रखे होते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है वो अब मान लीजिए सुबह के टाइम पे हमारा जो लोड होगा वो अलग होगा, दिन के टाइम पे अलग होगा और शाम के टाइम पे मैक्सिमम लोड होगा, है ना। एक पीक लोड होता है ना, पीक लोड आपने पढ़ा होगा, तो वही होता है कि पीक लोड रहता है क्या कहते हैं शाम के टाइम में, तो और रात के टाइम पे अलग लोड लोड होगा। तो इस कंडीशन में जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक ट्रांसफार्मर कम रेटिंग का है तो उसको हम सुबह के टाइम पे हम उसे चला सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे थोड़ा लोड बढ़ जाता है ना, और गर्मियों के टाइम पे तो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से लोड के ऊपर जो होता है हमारा ट्रांसफार्मर, हम लोड के ऊपर डिसाइड करते हैं कि कस्टमर, क्योंकि लोड जो होता है हमारा टोटली कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज कर रहा है, और लोड और पावर फैक्टर दोनों ही कस्टमर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब ये देखिए, हमने यहाँ पे 1500 KVA के तीन ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किए हुए। अब यहाँ पर मैंने कनेक्शन करके दिखाए थे, ये हमारी जो है ये 11 KV की लाइन है जो कि पीछे से आ रही है, ठीक है, और हम इसको ट्रांसफार्मर के एक इस टर्मिनल से और एक इस टर्मिनल से ये दूसरे वाले ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया हमने, ये और एक फिर ये कनेक्ट कर दिया हमने इधर, और सॉरी ये कनेक्ट कर दिया हमने ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल कर दिया हमने यहाँ। ओके, अब सेम हम क्या करते हैं, इस वाले टर्मिनल को यहाँ, इस वाले टर्मिनल को यहाँ, इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल पे, इस वाले टर्मिनल को इस वाले पे, इसको इस पे और इसको इस पे, ठीक है, ये हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका यही है कि मान लीजिए अगर हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है सप्लाई, वहाँ पे अगर हम सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, अब मान लीजिए हमने सिर्फ 1500 KVA का एक ट्रांसफार्मर यूज किया है अपने जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने वहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर अगर हमारा ख़राब हो जाता है, या अगर इस ट्रांसफार्मर की हमको कभी मेंटेनेंस करनी होती है, या एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है ना, कि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब नहीं भी है तो भी हम मंथली या फिर हाफ ईयरली चेक करते हैं ट्रांसफार्मर में, कि ट्रांसफार्मर में कि उसका ऑयल का लेवल क्या है, उसका ऑयल की जो ऑयल है वो उसमें कितना मॉइस्चर है, उसको चेक करते हैं, उस हिसाब से हम उसकी एक मेंटेनेंस करते हैं, है ना, उसको हम देखते हैं उस ट्रांसफार्मर को, कि मतलब उसमें कोई कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है, तो उस हिसाब से हम इसको वो करते हैं। तो अगर सेम अगर एक ही ट्रांसफार्मर रहेगा तो हमारा जो कस्टमर है, जब हम इसकी मेंटेनेंस हमको करनी होगी या जब इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हमारा हम आगे कस्टमर को सप्लाई नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इस केस में भी हम एक और ट्रांसफार्मर, ये दो या तीन, वो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कितने ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो हम इसलिए हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोड को शेयर कर सकें। क्योंकि एक ही ट्रांसफार्मर अगर हम मान लीजिए अगर हमको हम एक ही ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं अपने जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ सप्लाई में,
जहाँ हम सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ हम एक ही ट्रांसफार्मर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हमको मेंटेनेंस करनी होगी, या तो फिर ब्रेकडाउन हो जाए ट्रांसफार्मर में, या फिर हमको शेड्यूल मेंटेनेंस करनी हो, तो उस टाइम पे हमें कस्टमर को सप्लाई काटनी पड़ेगी, है ना। वहाँ उनको सप्लाई, उनकी सप्लाई काटनी पड़ेगी, तो उस पर कस्टमर परेशान होगा। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम पैरेलल में एक और ट्रांसफार्मर रख देते हैं, ताकि जब भी हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर में ब्रेकडाउन हो जाए या हमको उसके शेड्यूल मेंटेनेंस करना हो, तो हम उस लोड को दूसरे वाले ट्रांसफार्मर में डाल दें, ताकि हमारा कस्टमर जो है वो परेशान ना हो, कस्टमर को रेगुलरली सप्लाई मिलती रहे। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई भी ट्रांसफार्मर ला करके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, देखिए, एक तो जितने भी ट्रांसफार्मर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका वोल्टेज रेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जितने भी कर रहे हैं, चाहे दो कर रहे हैं चाहे तीन कर रहे हैं, उन सब का सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उन यहाँ पे मान लीजिए हमने तीन ट्रांसफार्मर यूज करे हैं, तो मैं तीन का बताऊंगा कि इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो वायर की जो हम पोलैरिटी जो होती है वो भी सेम होनी चाहिए, पोलैरिटी भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने इस वाले टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट किया है, इस वाले को यहाँ किया है, तो इस वाले को भी यही करना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। तो इनकी पोलैरिटी जो है वो इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। और जो फेज सीक्वेंस है वो भी सेम होना चाहिए तीनों का, ओके। तो यही है। और जो इसका ट्रांसफार्मर जो है, इनका इम्पीडेंस जो ड्रॉप है, ठीक है, उसका परसेंटेज भी सेम होना चाहिए, ठीक है, उसका तीनों ट्रांसफार्मरों का सेम होना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, एंड जो इनकी वोल्टेज ड्रॉप है वो भी सबकी सेम होनी चाहिए, और जो पोलैरिटी है वो भी इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी सेम होनी चाहिए। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि हम ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है ना, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन जो जहाँ से हमारी हो रही है वहाँ पर हम सिर्फ एक ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपके फिर भी इस वीडियो से कोई रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको हमारी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।